महाराष्ट्र के कदावर नेता और बीजेपी में मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी नारायण राणे को बड़ा झटका लगा। राणे की मुंबई स्थित अपने बंगले में किए गए अवैध निर्माण पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राणे के बंगले को गिराने का आदेश दे दिया। दरअसल नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की गुहार लगाई थी। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते नारायण राणे को जुहू स्थित बंगले पर बने अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के अंदर गिराने का आदेश दिया था। अंकित इज राइट नाउ लाइव फ्रॉम राणे'स रेजिडेंस इन मुंबई इन जुहू। यस अंकित, व्हाट आर द रिएक्शंस यू आर गेटिंग? हैज मिस्टर राणे रिस्पोंडेड टू द वर्डिक्ट? No, till now he did not responded to the verdict, but currently I'm standing near Narayan Rane's bungalow, Adhish bungalow, which is in Juhu right now. As you can see, this is the bungalow where last week Bombay High Court given the order to BMC to demolish the unauthorized construction which is there inside the bungalow. And apart from that, Bombay High Court also charged 10 lakh rupees fine for भाजपा में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ा झटका लगा और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राणे की अर्जी को ठुकराते हुए उनके बंगले में किए गए अवैध निर्माण पर सीधा बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण राणे को गैर कानूनी और अवैध निर्माण को खुद से हटाने के लिए 3 महीनों की मोहलत दी, जिसके बाद कोर्ट ने साफ आदेश जारी किया कि अगर 3 महीनों में ऐसा नहीं किया जाता है तो बीएमसी को खुली छूट होगी कि वो नारायण राणे के आशियाने को जमीन दोज कर दे। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारायण राणे के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया था और साथ ही कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले इसी अवैध बंगले निर्माण को लेकर के बीएमसी ने भी नारायण राणे को नोटिस जारी किया, लेकिन इस पर खासा ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र सरकार में बीते महीनों से चल रही उथल पुथल के बाद भाजपा शिंदे के साथ जोड़ गांठ कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसके बावजूद अपने अवैध कांड को बचाने में असफल दिख रही है। भाजपा सरकार जिस किसी राज्य में भी है वहां अपने नेताओं और मंत्रियों के सारे कांड झोल और घोटालों पर बखूबी पर्दा डालना जानती है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता पर होने के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट का हंटर भाजपा के मंत्री के खिलाफ चल ही गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केंद्रीय मंत्री की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें आदिश बंगले में कथित अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रोकने की मांग की गई थी। अदालत के फैसले के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अगले 2 महीने में खुद ही अवैध निर्माण को गिराना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रेन मुंबई महानगर पालिका इमारत को तोड़ देगी। दरअसल बीएमसी ने ही जुहू स्थित बंगले पर स्थित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था। 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया। बीएमसी ने यह नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत नागरिक निकाय द्वारा अप्रूव्ड योजना के उल्लंघन को जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि बंगले के बेसमेंट से लेकर के पूरे बंगले में बदलाव किया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर के कई शिकायतें दर्ज कराई थी। बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी 4 मार्च को भी नोटिस जारी किया था। हालांकि नारायण राणे ने अपने पक्ष से पेश करते हुए किसी भी अवैध निर्माण की बात को हाईकोर्ट में खंडन किया, जिसके बाद बीएमसी ने बंगले में कंस्ट्रक्शन करने वाली आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा था। वो ये साबित करें कि जो काम बंगले में किया गया उसे बीएमसी से मिली अनुमति के आधार पर किया गया है। बीएमसी ने कहा था कि अगर बंगले के मालिक ऐसे करने में विफल रहते हैं तो इस हिस्से को हटा दिया जाएगा, जिसके बाद पूर्ण रूप से कोर्ट में साबित नहीं कर पाने की वजह से अब नारायण राणे पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया और राणे के बंगले पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर तो चलेगा ही, साथ में 10 लाख जुर्माना भी देना होगा। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को नारायण राणे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो पेश की थी, लेकिन उनकी इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और अब उनके बंगले के अवैध निर्माण को हटाने पर आखिरी मोहर लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपिन टीवी।